नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आज हम बताने वाले हैं, पंचायत सचिव भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, अभी तक टोटल 5 जिलों में ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर हम एमपी के पूरे जिले की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जरूर देखिएगा किस जिले में भर्ती निकली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजना की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और किस जिले में ये भर्ती निकली है। तो दोस्तों, बात करें तो ये भर्ती निकली है खंडवा जिले में। तो खंडवा जिले में भर्ती निकली है, तो इसका नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं सभी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन तरफ। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर ले, और यहाँ पर आपको सर्च करना है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। खंडवा डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सर्च करेंगे आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाना है। यहाँ पर आप खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको होम पेज हो जाएगा। आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम सचिव की भर्ती हेतु विज्ञप्ति, दिव्यांग जन विशेष भर्ती आवेदक की अंतिम तिथि 10/12/2024 है। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 10/12/2024 है। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। कार्यालय जिला पंचायत खंडवा, यहाँ पर पूरे खंडवा जिले में यह भर्ती निकली है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यानी 28/11/2024 को जारी कर दिया गया था कलेक्टर महोदय जिला खंडवा दिव्यांग पंचायत सचिव के पद की विज्ञप्ति के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उक्त पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, योग्यता एवं चयन प्रक्रिया तथा विज्ञप्ति का प्रारूप जिले की वेबसाइट www.khandwa.nic.in पर अपलोड किया गया है। अतः आवेदन पत्र का प्रारूप, योग्यता एवं चयन प्रक्रिया तथा विज्ञप्ति का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त जानकारी जिले की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में। यहाँ पर जो आवेदन आ चुका है दोस्तों, यह रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पर विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन ग्राम पंचायत सचिव के पदों की भर्ती हेतु आवेदन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपकी जो अगर योग्यता की बात करें तो दोस्तों, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता में हायर सेकेंडरी 10वीं 12वीं आपका जरूरी है, और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो यूडीआईडी का कार्ड होना चाहिए। यूडीआईडी का कार्ड क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, उसकी भी हम जानकारी देंगे। आप किस प्रकार से कार्ड यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आयु आपकी लास्ट डेट की बात करें तो 13/12/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। 13/12/2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 20/12/2024 तक 4 बजे तक आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अन्य शर्त की अगर हम बात करें तो 10 तारीख के आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 10/12/2024 कार्यालय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालय के पते पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा के नाम से संशोधित कर प्रस्तुत कर सकते हैं। शाम 6 बजे से पहले 10 तारीख को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत की वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न करें। आवेदक की ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखना है। आवेदक खंडवा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य है। आपकी आयु सीमा जो है वो 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर आपको रोजगार पंजीयन नहीं है तो दोस्तों जरूर कमेंट करिए, हम आपको लाइव बताएंगे कि आप रोजगार पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। विभाग में कार्यरत आवेदन कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको लाना अनिवार्य है। निःसत्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि आपको यूडीआईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है। और जिस आवेदक की 2 से अधिक संतान है उसमें से एक की जन्म 26 जनवरी 2021 या उसके पश्चात होना चाहिए। आवेदक का चयन मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव एवं सेवा की शर्तें नियम 2011 तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के तहत किया जाएगा। आवेदक का चयन होने पर जिले की किसी भी रिक्त ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। आपको मतलब खंडवा जिले के जिस भी ग्राम पंचायत में पद खाली है वहां पर आपका जो है वो चयन हो सकता है। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला खंडवा के पास रहेंगे। डॉक्टर नागार्जुन वी गोंडा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा।
तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, आप आवेदन फॉर्म आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, तो ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदन फॉर्म, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फोटो डाल देना है, ठीक है, फोटो लगा देना है, आपका नाम लिख देना है, जन्म तारीख अंकों में लिख देना है, यहाँ पर शब्दों में लिख देना है, शैक्षणिक योग्यता में आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, यन योग्यता में कितने परसेंटेज मिले हैं, कंप्यूटर योग्यता में कौन सी जाति है, विवाह अविवाहित, अगर विवाहित है तो तारीख डाल देना है, ठीक है, अगर पत्राचार का पता आपको अगर कोई पत्र भेजे तो उसका पता आपको लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, और स्थायी पता आप कहाँ पर रह रहे हो, और यहाँ पर सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर आपको लिख देना है, और दिनांक यहाँ पर लिख देना है। आवेदन पत्र में दर्ज कोई भी असत्य जानकारी ग्राम पंचायत सचिव के पद है तो अपात्र रहेगी। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पद है तो आवेदन के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना है आपको, ठीक है। आप आवेदन जब भेजोगे तो आपको आवेदन के पत्र के साथ दो नवीन फोटो लगाना है, 10वीं की मार्कशीट लगाना है आपको, यदि शैक्षणिक योग्यता है तो तृतीय संबंधित प्रमाण पत्र लगा देना है आपको, यूटीआईडी कार्ड की फोटो कॉपी लगाना है दोस्तों, आपको कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आपको वो लगा देना है, खंडवा जिले का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र लगा देना है, रोजगार कार्यालय पंजीयन लगाना है आपको, विकलांगता के लिए विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र आपको वो जैसे कि मैंने आपको बताया है, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ टिकट आपको लगा देना है, आवेदक की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप जिससे आप यूज करते हो, विवाह की स्थिति और संतान संबंधित घोषणा पत्र, ये सभी डालने के बाद यहाँ पर या आवेदन की पावती, ठीक है, आप जैसे आवेदन जमा करने जाओगे तो ये पावती आपको यहाँ पर इसमें भी आपको लिख देना है, और यहाँ पर आप प्राप्त जिसे आप दोगे उसके यहाँ पर आपको हस्ताक्षर वो खुद कर कर आपके देंगे, तो ये आपके पास जो पावती हो जाएगी। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते तो जरूर से आवेदन कर सकते हैं, 10/12/2024 यानी 10 दिसंबर 2024 पहले से पहले इसमें आवेदन जरूर करिएगा दोस्तों। वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सभी अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।